नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, बात करूँ न्यूज अपडेट की, तो न्यूज अपडेट निकल के आ रही है सी टी ई टी की तरफ से। सी टी ई टी का जो 15th एडिशन यानी कि 15वां जो सेशन होने वाला है, उसका टेस्ट होने वाला है, उसकी परीक्षा के फॉर्म भरे जाने वाले, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक लास्ट डेट होगी, उसका सिलेबस क्या होने वाला है, कितने शहरों में ये परीक्षा होने वाली है, ये सब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला। देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया। और लेटेस्ट अपडेट की बात करते हैं, यहाँ पर तीन चीज़ें आपको दिख रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लिंक कर रही है, एक यहाँ पर ब्लिंक कर रही है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो सबसे नीचे वाले का तो आप पहले ही देख चुके होंगे, क्योंकि इसमें पहले बता दिया गया है कि सर्टिफिकेट जो वैलिड पीरियड जो है अब लाइफ टाइम हो गया, पहले 7 ईयर था लेकिन अब जो है लाइफ टाइम हो गया है। इसके बाद पब्लिक नोटिस जारी किया कि कब से इसके एग्जाम होंगे। इसके बाद सेकंड नंबर का जो है वो बहुत जरूरी है आपको देखने के लिए, तो सेकंड नंबर में खोल के बता देता है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा डाटा जो है स्लो चल रहा है, इसलिए खोलने में टाइम लगे। जैसे कि यहाँ पर PDF ओपन करने के लिए आ जाता है, डाउनलोड करने के लिए वो ऑप्शन आया, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आपका पेज खुलता है तो कुछ इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का नाम से पेज खुलेगा। इसमें CTET December 2021 दिया हुआ है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ऑनलाइन एप्लीकेशन 20/9/2021 से 19/10/2021 तक, यानी कि कब तक भरे जाना है, 10/9, अभी जो कौन सा महीना चल रहा है, 9 महीना चल ही रहा है, अगस्त चल रहा है, वो सितंबर चल रहा है, अक्टूबर 10 अक्टूबर 19 अक्टूबर तक इसके जो है फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, ये इसमें से डेट आपको याद रखनी है कि एग्जाम ऑफ डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम की डेट क्या है, तो 16 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी 2022 तक इसके जो है एग्जाम चलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जानना जरूरी है, फीस की बात कर लेते हैं। फीस जो होती है कितनी लगेगी, पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर टू के लिए, या फिर मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर टू दोनों के लिए, दोनों के लिए कितनी है, जनरल के लिए और OBC के लिए 1200 है, और ST और SC के लिए 600 रुपये है दोनों पेपर के लिए। यदि एक पेपर के लिए करने हैं तो 500 रुपये लगेगा ST SC के लिए, और 1000 रुपये लगेगा जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ई चालान के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप कर सकते हैं। सिग्नेचर और फोटोग्राफ वो है वो आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा, वो सब ऑनलाइन जाएंगे तो वहाँ पर भी हो सकता है। यदि आप अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप से भरना चाहते हैं तो उससे भी भर सकते हैं, बस उसके लिए आपको क्या करना है, स्कैन करके कॉपी जो है आपको वो आपको अपने कंप्यूटर पर रखना होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको जो कंटेंट दिया हुआ, कहाँ पर क्या क्या दिया हो, नॉर्मली दिया हुआ है कि कहाँ पर क्या दिया हुआ है उसके बारे में दिया हुआ, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर टाइमिंग की बात कर लेते हैं, टाइमिंग क्या दिया हुआ, टाइमिंग दिया हुआ है 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक एग्जाम होने वाले हैं। Shift 1 और Shift 2 में एग्जाम होगा। Shift 1 जो रहेगा वो 9:30 से 12 बजे तक रहेगा, Shift 2 जो रहेगा 2:30 से लेकर के 5 बजे तक रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा यानी कि CBT बेस्ड रहेगा, 2.5 घंटे का कुल ड्यूरेशन रहेगा। आपको पहुंचने का समय जो है एडमिट कार्ड पर पहले दिया होगा, जब आप एडमिट कार्ड निकालते हैं उससे पहले उसमें जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं उसको जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आपको आसानी होगी कि क्या ले जाना क्या नहीं ले जाना है, वो सब आपको न्यूज जैसे ही आपको एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आएगा वो आपको बता दिया जाए। बात करें पेपर फर्स्ट और पेपर टू, जो सिलेबस रहे वो किस प्रकार से रहे, किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे, तो जैसे कि पहले ही पूछा गया है 150 नंबर टोटल क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें से ऊपर के जो 90 नंबर होते हैं वे ऐसे कंपलसरी ही होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट आप पेपर फर्स्ट दें तो भी आप उसमें आएगा, और पेपर सेकंड दें तो भी उसमें आएगा। तो यानी कि पहले जो 3 हैं वो आपके पेपर 1 में भी काम आने वाले, पेपर 2 में भी काम आने वाले हैं। ठीक है, तो 90 नंबर जो आपके ऐसे पक जाते हैं कि आपको बस कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट 30 नंबर का, लैंग्वेज फर्स्ट 30 नंबर का, लैंग्वेज 2। अब लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2 कौन को किस कौन को कैसी कैसी लेनी है वो आप देख लीजिए, हिंदी और संस्कृत लेनी है या फिर हिंदी और इंग्लिश लेनी है, तो दो लैंग्वेज ले सकते हैं। लैंग्वेज कोड यहाँ पर ओपन टू लैंग्वेज, मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो किस लैंग्वेज में आप देना चाहेंगे, इसके लिए कुल मिलाकर के 20 लैंग्वेज आपको दी गई हैं। किसी भी लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हैं उसमें आपका क्वेश्चन पेपर दिया होगा। हिंदी के लिए 01, इंग्लिश के लिए 01, हिंदी के लिए 02, संस्कृत के लिए 16 है, उर्दू के लिए 20 है, तेलुगु के लिए 18 है। जो अलग अलग राज्य वाई राज्य दिया गया है जहाँ के कैंडिडेट हों उसके हिसाब से वो उसको सेलेक्ट करते हैं कौन सी लैंग्वेज में उनको पेपर देना है। ठीक है, तो 20 लैंग्वेज में आपको पेपर देने का मौका मिल सकता है, आपको जिस लैंग्वेज में देना है में दे सकते हैं। ठीक है, पेपर टू की बात करें, पेपर टू जो होगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट रहेगा, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, ये 3 जो सब्जेक्ट हैं पहले वाले मैंने बताया कि 90 नंबर आपके बिल्कुल ऐसे हैं कि एकदम सिक्योर रहते हैं, 90 नंबर की बिल्कुल तैयारी आपको एक बार करनी है, बिल्कुल दोनों पेपर के लिए हो जाएगी। इसके बाद में यदि मैथ और साइंस के कैंडिडेट हैं तो उनको मैथ और साइंस के टोटल 60 नंबर आएंगे, और सोशल स्टडीज या फिर सोशल साइंस के कैंडिडेट हैं तो उनको 60 नंबर उसके लिए मिलेंगे। तो इस प्रकार से रहेगा।
टोटल नंबर जो रहेगा इसमें भी 150 का ही रहेगा, समय 2.5 घंटे का रहेगा। इसमें भी लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है कि किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं। इसके बाद में आप बात करते हैं कि किस प्रकार से और इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें इसकी तो बात कर ही चुका हूँ। सिलेबस जो है, सिलेबस आप यदि देखना चाहें तो सिलेबस देख सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा सिलेबस चेंज हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज है लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है चेंज होने वाला, ठीक है। तो इसमें सिलेबस देख सकते हैं कि सिलेबस कैसा है। हाँ, एक चेंज सिलेबस में बहुत ज़रूरी हुई है, लैंग्वेज के बारे में बताता हूँ कैसे। तो ये तो हो गया बाल विकास, बाल विकास का पूरा सिलेबस आपको वीडियो आपको मिल जाएंगी, पूरे सिद्धांत मिल जाएंगे, चाहे प्याजे हैं, कोहलबर्ग हो, वाइगोत्स्की हो, सभी के सिद्धांत आपको वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो बना चुके हैं, कंपीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, पूरा का पूरा सिलेबस मिलता जुलता है उसे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कॉन्सेप्ट, यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। पहले जो पैडागोजी होती है वो 15 नंबर की पूछी जाती है। 5 नंबर इसमें क्या है, स्पेशल नीड के जो बच्चे होते हैं उसके आधार पर 5 नंबर पूछे जाएंगे। तो जाएंगे लर्निंग के, लर्निंग एंड पैडागोजी के ऊपर 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सिलेबस आपको पूरा करवा दिया जाएगा, जो हो गया है उसको और फटाफट से रिवाइज करवा दिया। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि पहले जो होता है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज टू में, अब जो होने वाले रीडिंग अनसीन पैसेज आने, 2 अनसीन पैसेज दी जाएंगी, उसी पर आधारित जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो उसमें पूछे जाएंगे लैंग्वेज फर्स्ट में, और बाकी के 10 मतलब जो 15 क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे पैडागोजी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। यानी 15 नंबर के आपके 2 अनसीन पैसेज आएंगे, तो 15 उसमें से आपको मिलेंगे, उसके बाद में 15 जो होंगे वो आपको पैडागोजी से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है 15 15 का, 15 15 नंबर की जो अनसीन पैसेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो वो अनसीन पैसेज कैसे करना है वो आपको बता दूंगा। उसी प्रकार से आप सेकेंड लैंग्वेज में देखेंगे तो कंप्रेहेंशन आएगा, उसी में से आपको जो ग्रामर एंड वर्बल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 नंबर के पूछे जाएंगे इसमें, उसी प्रकार से फिर यहाँ पर पैडागोजी सेकंड लैंग्वेज में उसमें भी 15 नंबर की पैडागोजी पूछी जाएगी। तो पैडागोजी मतलब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है वो अच्छे से कर लीजिए, बाल विकास बहुत अच्छे से कर लीजिए, इसके बाद आप पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। अब बात करें मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में कुछ इस प्रकार से जो है आपका सिलेबस होने वाला है। ज्योमेट्री होगी शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग सॉलिड अराउंड अस, मतलब जो आपके आसपास जो सॉलिड वस्तुएं वो आएंगी। नंबर्स आएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, मेजरमेंट, वेट है, टाइम है, वॉल्यूम है, डेटा हैंडलिंग पैटर्न है, मनी है। तो इन सब के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे करना है क्वेश्चन, किस प्रकार से करना है, वो सब आपको क्वेश्चन पेपर तो करवाऊंगा ही, मैं प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, उसमें ही आपको जो है एक एक करके हर एक प्रैक्टिस सेट में कुछ ना कुछ ऐसा रहता ही है जो कि आपके हर एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहते हैं। तो ठीक है, पैडागोजी इश्यू जो है किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो 15 नंबर के पैडागोजी इश्यू पूछे जाने वाले गणित में। गणित की जो पैडागोजी है पूरी की पूरी कंप्लीट करवा चुका हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी पसंद भी आप लोगों ने की है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है उससे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप गणित का सिलेबस देख सकते हैं, और साथ ही साथ में देखना है तो एनवायरनमेंट स्टडी में देख सकते हैं, पूरा पूरा वही का वही जो सिलेबस कंटेंट दिया है, फैमिली एंड फ्रेंड्स दिया है, एनिमल्स, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स इन बी मेक एंड डू, ठीक है, ये दिया। इसके बाद में क्या दिया, पैडागोजी इशू दिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस, ईवीएस सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट स्टडी, एनवायरनमेंट एजुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल, स्कोप ऑफ रिलेशन ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस में, अप्रोच ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट, एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल वर्क, डिसीजन, CCE, टीचिंग मटेरियल एड्स, प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, ये सब दिया हुआ है। इसके बाद में पेपर 2 के लिए जो है वो स्पेशल सब्जेक्ट के हिसाब से ये दिया हुआ है, तो पेपर 2 के लिए भी दिया हुआ है। तो पूरा आप देखना चाहें तो एक एक करके पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। इसमें भी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज 2 के लिए वही दिया हुआ, उससे बाल विकास जो है वही दिया हुआ है, सिर्फ आपका ये जो है मैथ का जो मैथ और साइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसमें एक चीज़ और, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है CBT है, उसके लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट देने को मिल सकता है। कैंडिडेट लॉगिन पेज जैसे ही आपको आएगा, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, इसमें दे सकते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट करके, यहाँ पर देखो चेंज लैंग्वेज लिखा हुआ, तो लैंग्वेज चेंज करेंगे, कुछ प्रकार से आपको इंटरफेस खुलेगा। जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन आता है कुछ दिन बाद इसको बता दूंगा कैसे आपको देना है, किस प्रकार से आप कर सकते हैं, कैसे स्कोर करना है, कितना स्कोर कर सकते हैं, तो ये सब दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन इसके दिए हुए हैं, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, नोट आंसर्ड है, नॉट आंसर्ड है, नॉट विजिबल, मतलब जो पूरा ऑनलाइन जैसे पेपर होना पूरा बताया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए साइंस है, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 दिया हुआ है, सेक्शन नेम दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन पैनल दिया हुआ है, एक क्वेश्चन किस प्रकार से एक क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कितने आंसर हैं जो कि नहीं दिए हैं सेक्शन में, कितने में दे चुके हैं आंसर, तो इस प्रकार सेव एंड सेव करने का और नेक्स्ट करने का दिया हुआ है,
क्लियर रिस्पॉन्स के लिए, मार्क फॉर रिव्यू मतलब दोबारा उस क्वेश्चन को देखने के लिए और सबमिट करने के लिए, ये सब चीज़ आपको ऑनलाइन के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूँ मैं, तो धीरे धीरे एक एक करके आपको मिलेगा। देख लेते एक चीज़ और इसमें देख लीजिए कि एग्ज़ाम सेंटर जो है, तो कुल मिलाकर के एग्ज़ाम सेंटर की बात करूँ तो कुल मिलाकर के जो एग्ज़ाम सेंटर होने वाले हैं वो हैं आपके टोटल 318 एग्ज़ाम सेंटर हैं। और बात करूँ तो मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जो है, मध्य प्रदेश आपको मिल जाएगा, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश जो आपको मिलेगा वो टोटल मध्य प्रदेश में जो है, यहाँ देखें कहाँ पर दिया है, मध्य प्रदेश में दिया हुआ है, मध्य प्रदेश में भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, सागर है, सतना है, उज्जैन है, टोटल मिला के 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 सिटी जो है मध्य प्रदेश में इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। बाकी अपने स्टेट की दृष्टि से आप देख सकते हैं जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं कि कौन से स्टेट में कौन कहाँ कहाँ पर इसके जो सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, मिलते एक नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।